जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में तिब्बती समुदाय के लोगों ने 64वीं राष्ट्रीय विद्रोह दिवस के अवसर पर रैली का आयोजन किया। वहीं ढालपुर के मैदान में चीन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। तिब्बती सहायता समूह के उप सलाहकार पेमा नामग्याल ने कहा कि तिब्बती और उनके समर्थन निस्वार्थ बुजुर्ग पीढ़ी द्वारा शुरू किए गए बहादुर संघर्ष के लिए खुद को फिर से समर्पित करते हैं और उन सभी को श्रद्धांजलि भी देते हैं। तिब्बत के हजारों लोगों ने 64वें राष्ट्रीय विद्रोह दिवस पर कुल्लू में चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। तिब्बत के लोगों पर चीन के अत्याचारों का विरोध किया गया। लोगों ने आजादी की मांग भी की। जिला मुख्यालय कुल्लू में शुक्रवार को रैली निकाली गई। इसके बाद तिब्बत और भारत के राष्ट्रगान से 64वें तिब्बती राष्ट्रीय जन क्रांति दिवस का शुभारंभ भी किया गया। आजादी के लिए आत्मदाह करने वालों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की गई। इसी को लेकर तिब्बती सेटलमेंट अधिकारी डुप्तन छोपले ने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में लगभग 1,300 टिबेटन रेफ्यूजीज रह रहा है, इसीलिए आज हम 1959 में जो तिब्बत का अंदर चाइना घुस के फिर वो कैप्चर करने का प्लान बनाया, उसी दिन से हमने जुलूस लगाया। वो रिमेम्बर्स के लिए हम आज 10th मार्च के लिए अब 1959 से अभी तक लेके 64th एनिवर्सरी आज मना रहे हैं। हाँ, ये हमारा मांग ये है। अभी तक हमने जो तिब्बत का अंदर अत्याचार कर रहा है वो सब अभी तक 1959 से लेकर जो तिब्बत का लैंड चाइना ने कैप्चर करके इनडायरेक्टली और डायरेक्टली 1.2 मिलियन टिबेटियंस मर गया, उसके अथवा अभी भी चाइना का जो उसमें एनेक्शिया करके चाइना तिब्बत को उसके अंडर कंट्रोल में रखे, टिबेटियन ज़्यादातर वहाँ तिब्बत का अत्याचार हो रहा है, वो हमारा डिमांड है, वो कम से कम लिफ्ट करना है। उसमें जो फ्रीडम नहीं है, रिलीजन फ्रीडम नहीं है, एजुकेशन फ्रीडम नहीं है और मूवमेंट फ्रीडम नहीं है तिब्बत के लिए, टिबेटियन के लिए, चाइनीज के लिए सब कुछ है, लेकिन तिब्बत के लिए सारी रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। ये हमारा मांग है, वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहिए। और चाइना और तिब्बत अभी कॉन्फ्लिक्ट में अभी तक रहा था, वो कॉन्फ्लिक्ट अब लिबरेट करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए हमारा डिमांड है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में चाइना और तिब्बत अंडरस्टैंडिंग एक टेबल में बैठ के। हमारा तरफ से ये डिमांड है, आपकी तरफ से क्या डिमांड है वो हम रखिए, हम अंडरस्टैंडिंग में सॉल्व करना चाहता हूँ। ये हमारा डिमांड है। हम तिब्बत का चाइनीज का कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर हम रहकर उसके कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर जो दिया था रिलीजन फ्रीडम, कल्चर फ्रीडम, वो सब हमको चाहिए। और डिफेंस और इंटरनेशनल रिलेशन वो चाइना का अंदर रहेगा, वो वही कॉन्स्टिट्यूशन हम फॉलो करना चाहता हूँ, वो कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई करना चाहिए करके हमारा डिमांड ये है। कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।